यूं बोला हो धन धन से मिसरानी ने हो हो धन धन से मेरी यारी ने हे रे किस पीढ़ी का पोता था जो काट गया बीमारी ने हो धन धन से मिसरा धन से मेरी यारी ने किस पीढ़ी का टोटा था जो काट गया बीमारी ने हो धन धन से बात में उस सुदामा कहने लग जाते हैं कि मिसरानी टोटा कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो पुरुषों से चलता आ रहा है। इंसान की एक जुबान की कीमत होती है और आज वो तूने खराब करवा दी। कैसे पहली बात में भला के कहने लग गया तने भेज दिया मैं चला गया तने भेज दिया मैं चला गया मेरी बात का देला होना था टोटे ना फे आवने जाने मेरी जात का देला होना हेरा कृष्ण आ गए मेरे मुख ते मुलाकात का तेला होना था जो परकुजी ने मारी थी रे उस लात का तेला होना था परकुजी ने सिर पे दर के नाचे जा रे सिर पे दर के नाचे जा इस कमरे महल अटारी ने हो धन धन से मिसरानी मत जानना कि वहां मेरा आदर मान नहीं हुआ ना। कैसे सुदामा क्या कहता है,
हिरण्यू तैर मिसराणी उड़े आहनू तैर मिसराणी उड़े मेरे पाया तक तू कहते जो बोल कहे उस रुक्मण ने वो मेरी छाती ने फूके थे एक मंगता रानी जगर पे आजा फिर वे क्या ने चुके थे लात के बदले लेने थे जो उस विष्णु के दुख थे लात के बदले मान मार के धन फूक्या रे मान मार के धन फूक्या के रोलू इब बनवारी ने हो धन धन संग सरानी ने हो सजनों बताते हैं कि सतयुग त्रेता युग की एक कहानी है। उस रोज सुदामा ने एक बात कही थी रुक्मण से कि आज तूने मेरे को कृष्ण के पास भेज दिया लेकिन हाँ आज के बाद जितने भी ब्राह्मण हैं सब मांग के खाने हो जाएंगे। सजनों बताते हैं कि उससे पहले ब्राह्मण कहीं नहीं जाते थे, उसके बाद ब्राह्मण ने शादी और भी बहुत सारे कार्यक्रमों में जाना शुरू किया है। कैसे क्या बताया मेरा पक्की जचगी रे मिसराणी मेरा पक्की जचगी रे मिसराणी दुख मोटे ठाणे हो जाएंगे आज त्याग ये बामण सारे मांग के खाने हो जाएंगे फिर तुझा धर्म और कर्म छोड़ के पाप कमाने हो जाएंगे ब्राह्मण पंथी छत्रापण के ये चूतर बाणे हो जाएंगे ब्राह्मण पंथी छत्रापण के ये चूतर बाणे हो इब मुंड पकड़ के रोए जा रे मुंड पकड़ के रोए जा या खोदी जा Thank you.
इस दुनिया में बताई कवि ने राज हट बाल हट और त्रिया हट, लेकिन सजनों त्रिया हट को इसमें से सबसे बुरा बताया है। कैसे तीसरी बात में भला के कहने आ गया तीन हट होसे धरती पे आहा, तीन हट होसे धरती पे यार त्रिया हट गणी नाऊसे। मैं पहले दिन से जानू थारे या पीर खून की खाऊसे। मेरे इक्कीस पीढ़ी इक्कीस पीढ़ी डूबो दई तन बता तू कुन सी गणी स्याऊ से। लक्ष्मी चंद के चेला मैं एक सब ते गणा कमाऊ से। लक्ष्मी चंद के मेरा गाँव गाँव में किल की करवाती, गाँव गाँव में किल की करवाती श्री मांगेरा पुजारी ने। ओ धन धन ससुराली ने, ओ धन धन से तेरी